नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डबरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी छोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष विक्की टीवीएस भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। कराइए मुफ्त इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत SB हॉस्पिटल, ईदगाह रोड बेता, महारानी कल्याणी कॉलेज के सामने लहरिया सराय दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा, रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर सेशन 2021-22। वी हैव नो एनी अदर ब्रांच इन दरभंगा। डायनेमिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह फॉर 11th, 12th IIT, GE एंड NEET। ज्वाइन क्रैश कोर्स फॉर 12th। न्यू अजंता स्वीट्स एंड कैटरर्स, भंडार चौक कटहलबाड़ी दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक दरभंगा, दार्जिलिंग के शिक्षकों द्वारा संचालित नर्सरी से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम का उत्कृष्ट विद्यालय। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर टावर चौक दरभंगा, हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। अग्रवाल शॉपिंग मॉल रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा लालबाग हसन चौक दरभंगा, मेंस वियर गर्ल्स वियर सारीज एंड किड्स वियर। ठंड की सर्द रातों में तैनात है पुलिस, विभिन्न जगहों पर अचानक चलाया जा रहा चेकिंग अभियान, हो रही छापेमारी। जारी है सर्दी का सितम, चरम पर शीत लहर, सुबह से शाम तक कोहरे की चादर, कनकनी ने किया घरों में कैद। शीत लहर से बचाव के लिए सरकारी स्तर पर जगह जगह जलाए जा रहे अलाव। कोहरे की वजह से बदल गया दरभंगा एयरपोर्ट से विमानों के लैंडिंग और टेक ऑफ का समय। प्रमंडलीय समन्वय समिति की हुई बैठक, दाखिल खारिज में समस्तीपुर पूरे बिहार में अव्वल। विकास को लेकर प्रमंडल स्तर पर हुई मीटिंग। बिहार में कोरोना के 287 नए मरीज, आंकड़ा 2,47,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 5,263। लंबे समय के बाद दरभंगा में आज नहीं मिला कोरोना का एक भी मरीज। हर रोज आगे बढ़ रहे कदम, एक सूत्र में जुड़ रहे ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन के प्रत्येक जिले। ऑनलाइन होगी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षा, संस्कृत विश्वविद्यालय में लिए गए कई निर्णय। खरीफ हेतु कृषि इनपुट अनुदान को लेकर आयोजित हुई बैठक। खेलो इंडिया के अंतर्गत एक दिवसीय ई पाठशाला कार्यक्रम आयोजित। वार्ड 37 के पार्षद रियासत पहुंचे आंगनबाड़ी केंद्र, निरीक्षण में कई खामियां उजागर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं CM कॉलेज छात्र संघ ने प्रधानाचार्य को सौंपा आवेदन, कॉलेज के मुख्य द्वार पर मिथिलाक्षर का भी प्रयोग करने की मांग। और शोभन से दरभंगा के लिए चला 16 साल का विष्णु, 17 दिसंबर से ही है गायब, कहीं दिखे तो नजदीकी पुलिस स्टेशन को दीजिए सूचना। और समाचार अब विस्तार के साथ। ठंड की सर्द रातों में तैनात है पुलिस, विभिन्न जगहों पर अचानक चलाया जा रहा चेकिंग अभियान, हो रही छापेमारी भी। ठंड से ठिठुरती सर्द रातों में तैनात है पुलिस के जवान, इतना ही नहीं सदल बल विशेष छापेमारी कर रहे और चला रहे हैं सघन चेकिंग अभियान। दरभंगा जंक्शन समेत कई इलाकों में पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही है। बढ़ती ठंड के बीच पुलिस द्वारा दल बल के साथ विशेष छापेमारी और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। विभिन्न संवेदनशील इलाकों में चेकिंग करने के बाद QRT यानी क्विक रेस्पॉन्स टीम समेत पूरे दल बल के साथ दरभंगा जंक्शन पहुंची है पुलिस, जहां होटलों और रेस्टोरेंट में सघन तलाशी लेते देखा जा सकता है। दरभंगा जंक्शन पर विश्वविद्यालय थानाध्यक्ष सत्यप्रकाश भी चाय दुकानों और फल की दुकानों में तलाशी लेते नजर आए। देर रात पुलिस को जंक्शन पर देख लोगों ने पूछताछ भी की पुलिस से कि आखिर क्या है, तो पुलिस के द्वारा यह जानकारी दी गई कि कौन इस वक्त कहां से आया है, इतनी रात को यहां क्या कर रहा है, स्टेशन परिसर में लगे चार पहिया वाहनों में आखिर कौन बैठा है, इन सब की जानकारी और तलाशी ली पुलिस ने।
बताते चलें कि दरभंगा जंक्शन पर यात्रियों की आड़ में नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा लगने की सूचना लगातार पुलिस को मिलती रही है और देर रात अचानक पहुंचकर भारी संख्या में पुलिस बल को देख नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों के होश उड़ गए और वे वहां से खिसकना शुरू हो गए। देखिए ठंड के मौसम जो बढ़ी है तो शहर में जो है कि चोरी की घटनाओं को रोकथाम के लिए विशेष गश्त के आयोजन किया गया है। हर गली में जो है कि पैदल गश्ती का व्यवस्था किया गया है। उसी को लेकर के हम लोग विशेष छापामारी एवं गश्त को चेकिंग एवं जगह जगह पर जो है कि चेकिंग और गश्ती की कार्रवाई की जा रही है। खास करके विशेष तौर पर अभी जो है कि स्टेशन के पास है जहाँ पर जो है कि ट्रेन आती है तो कुछ लोग जो है एक तरह के लोग बाहर के आते हैं, कोई आपत्तिजनक सामान के साथ रहते हैं, तो उसको हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। शहर की सुरक्षा के लिए जो है कि शहर को नाकाबंदी भी किए हुए हैं। दिल्ली मोड़, कश्मीर घाट, सुभर मोड़ इत्यादि जगहों पर जो है कि लगातार 24 घंटा का शिफ्ट बनाकर चेकिंग के जरिए शहर में विद्युत सिस्टम लागू किया गया है। जारी है सर्दी का सितम, चरम पर शीतलहर, सुबह से शाम तक कोहरे की चादर, कनकनी ने किया घरों में लोगों को कैद। जारी है सर्दी का सितम, चरम पर पहुंची शीतलहर, कनकनी ने लोगों को घरों में किया कैद। कड़ाके की ठंड ने जन जीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। दिन चढ़ने के बावजूद रजाई से निकलने की हिम्मत लोगों की नहीं हो रही। रजाई से निकल भी गए तो घर से निकलना मंजूर नहीं। कोहरे के घने चादर में लिपटे रहने के कारण सुबह उजाला फैलने का एहसास तक नहीं हो पाता। ठंड अपने सवाब पर चल रही है। इस वक्त डॉक्टर भी कह रहे हैं कि आप ठंड से बचिए, थोड़ी सी भी लापरवाही आपको पड़ सकती है भारी। शीतलहर से बचाव के लिए सरकारी स्तर पर जगह जगह जलाए जा रहे अलाव। शीतलहर से बचाव को लेकर अलाव की हुई व्यवस्था, 18,000 लोग प्रतिदिन हो रहे हैं लाभान्वित। शीतलहर का प्रकोप इन दिनों सर चढ़कर बोल रहा है। तापमान का पारा गिरकर 4 डिग्री तक पहुंच गया है। हाड़ कपा देने वाली ठंड से बचाव के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सभी अंचलाधिकारी को प्रमुख चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए हैं और इसके लिए सभी अंचलों को राशि भी उपलब्ध करा दी गई है। पिछले कई दिनों से दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के रेलवे स्टेशन, दुनार, नाका नंबर 5, आयकर चौराहा, मिर्जापुर चौक, खानकाह चौक, बेंता चौक, लालबाग रैन बसेरा, लहरियासराय रैन बसेरा एवं लोहिया चौक के अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही दरभंगा सदर प्रखंड द्वारा बस स्टैंड, दरभंगा टावर, हसन चौक, नाका नंबर 6 एवं मेडिकल कॉलेज के पास, बहादुरपुर प्रखंड द्वारा लहरियासराय टावर, लहरियासराय रेलवे स्टेशन, लोहिया चौक, एकमी चौक एवं चट्टी चौक पर अलाव की व्यवस्था की गई है। कोहरे की वजह से बदल गया दरभंगा एयरपोर्ट से विमानों के लैंडिंग और टेक ऑफ का समय। दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले विमानों और इनके लैंडिंग के समय में परिवर्तन किया गया है। खराब मौसम के कारण फ्लाइटों का बदला गया है समय। खराब मौसम के कारण दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचने वाली और वहां से मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु के लिए उड़ान भरने वाली विभिन्न फ्लाइट्स के समय में परिवर्तन किया गया है। भीषण ठंड और घना कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम होने के कारण समय में यह फेरबदल किया गया है। स्पाइस जेट ने अपने वेबसाइट पर यह जानकारी देते हुए बताया है कि बेंगलुरु से सुबह 10:10 पर उड़ान भरकर फ्लाइट दोपहर 1 बजे दरभंगा पहुँचेगी। यहां से बेंगलुरु के लिए दोपहर 1:30 वापस उड़ान भरेगी। वहीं दिल्ली से दिन के 11:45 पर उड़कर फ्लाइट 1:50 पर दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचेगी। यहां से दिल्ली के लिए वापस 2:30 उड़ान भरेगी। वहीं दोपहर 12:10 पर मुंबई से उड़ान भरकर फ्लाइट 2:35 पर दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचेगी। यहां से 3:05 पर मुंबई के लिए वापस उड़ान भरेगी। 10 जनवरी तक के लिए यह व्यवस्था रहेगी। जी हाँ, 10 जनवरी तक के लिए दरभंगा एयरपोर्ट से टेक ऑफ और लैंडिंग के समय में परिवर्तन किया गया है। रविवार को तीनों फ्लाइट ने समय पर उड़ान भरी है और स्पाइस जेट का कहना है कि मौसम अगर ठीक रहा, विजिबिलिटी अगर पूरी मिलती रही तो नए परिवर्तित समय के अनुसार विमान लगातार टेक ऑफ और लैंडिंग करते रहेंगे। प्रमंडलीय समन्वय समिति की हुई बैठक, दाखिल खारिज में समस्तीपुर पूरे बिहार में अव्वल। प्रमंडलीय समन्वय समिति की हुई बैठक,
दाखिल खारिज में समस्तीपुर जिला पूरे बिहार में रहा अव्वल, दाखिल खारिज में अलीनगर अंचल पूरे बिहार में रहा अव्वल। मयंक बड़बड़े आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में प्रमंडलीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम, जिलाधिकारी मधुबनी नीलेश रामचंद्र देवड़े एवं जिलाधिकारी समस्तीपुर शशांक शुभंकर उपस्थित थे। बैठक में वाणिज्यकर निबंधन, विद्युत, खनन, परिवहन, वन एवं भू राजस्व विकास के कार्यों की समीक्षा की गई। वाणिज्यकर विभाग की समीक्षा में दरभंगा जिला की उपलब्धि 24.22%, मधुबनी की 31.68% तथा समस्तीपुर जिला की 33.20% रही। प्रमंडल में कुल प्राप्ति 145,57,55,000 रुपए की हुई, जो निर्धारित लक्ष्य का 28.87% है। दरभंगा प्रमंडल के वाणिज्यकर उपायुक्त ने बताया कि फरवरी मार्च में उगाही ज्यादा होती है, मार्च तक 100% लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। निबंधन विभाग की उपलब्धि दरभंगा जिले में 38.59%, मधुबनी में 38.33% एवं समस्तीपुर जिले में 46.41% रही। कम निबंधन के लिए बताया गया कि कोरोना की वजह से जमीन की खरीद बिक्री इस वर्ष कम हो गई है। आयुक्त ने दिए गए लक्ष्य 407 करोड़ की 70% उपलब्धि प्राप्त करने का निर्देश दिया। खनन विभाग की उपलब्धि दरभंगा जिला में 35.93%, मधुबनी जिले में 28.86% एवं समस्तीपुर में 26.79% रही। कुल लक्ष्य 76,40,05,000 के विरुद्ध 22,27,29,000 रुपए यानी 29.94% रही। वन विभाग की उपलब्धि दरभंगा में 115.45%, मधुबनी में 270% एवं समस्तीपुर जिले में 59.64% रही। आयुक्त ने वन विभाग में चल रही योजनाओं के संबंध में जानकारी ली तो बताया गया कि नेशनल बंबू मिशन के तहत बांस पर आधारित योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके लिए किसानों को अच्छी प्रजाति के बांस के पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त पौधशाला यूनिट का विकास कर किसानों एवं जीविका को दिया जा रहा है। अभी तक 11 यूनिट जीविका को तथा 6 यूनिट अन्य किसानों को दिए गए हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरुसेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। केवल स्वाद ही नहीं, महसूस कीजिए खास एहसास। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़, NH 57, दरभंगा। फ्री होम डिलीवरी, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड बैंक्वेट हॉल, जो आपके हर फंक्शन को बनाएंगे यादगार। दरभंगा और लहेरिया सराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 और 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर, दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। ठंड की सर्द रातों में तैनात है पुलिस, विभिन्न जगहों पर अचानक चलाया जा रहा चेकिंग अभियान, हो रही छापेमारी। जारी है सर्दी का सितम, चरम पर शीत लहर, सुबह से शाम तक कोहरे की चादर, कनकनी ने किया घरों में कैद। शीत लहर से बचाव के लिए सरकारी स्तर पर जगह जगह जलाए जा रहे अलाव। कोहरे की वजह से बदल गया दरभंगा एयरपोर्ट से विमानों के लैंडिंग और टेक ऑफ का समय। प्रमंडलीय समन्वय समिति की हुई बैठक, दाखिल खारिज में समस्तीपुर पूरे बिहार में अव्वल। विकास को लेकर प्रमंडल स्तर पर हुई मीटिंग। बिहार में कोरोना के 287 नए मरीज, आंकड़ा 2,47,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 5,263। लंबे समय के बाद दरभंगा में आज नहीं मिला कोरोना का एक भी मरीज। हर रोज आगे बढ़ रहे कदम,
एक सूत्र में जुड़ रहे ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन के प्रत्येक जिले। ऑनलाइन होगी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षा, संस्कृत विश्वविद्यालय में लिए गए कई निर्णय। खरीफ हेतु कृषि इनपुट अनुदान को लेकर आयोजित हुई बैठक। खेलो इंडिया के अंतर्गत एक दिवसीय ई पाठशाला कार्यक्रम आयोजित। वार्ड 37 के पार्षद रियासत पहुंचे आंगनबाड़ी केंद्र, निरीक्षण में कई खामियां उजागर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं सीएम कॉलेज छात्र संघ ने प्रधानाचार्य को सौंपा आवेदन, कॉलेज के मुख्य द्वार पर मिथिलाक्षर का भी प्रयोग करने की मांग। और शोभन से दरभंगा के लिए चला 16 साल का विष्णु, 17 दिसंबर से ही है गायब, कहीं दिखे तो नजदीकी पुलिस स्टेशन को दीजिए सूचना। विकास को लेकर प्रमंडल स्तर पर हुई बैठक। मयंक बरबरे आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में दरभंगा प्रमंडल में चल रहे विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। 7 निश्चय योजना के अंतर्गत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की समीक्षा में बताया गया कि दरभंगा में 2876, समस्तीपुर में 4349 एवं मधुबनी में 4992 कुल 11217 विद्यार्थियों के बीच 147,15,46,000 रुपये का वितरण दरभंगा प्रमंडल में किया जा चुका है। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत दरभंगा जिले के 8,069, समस्तीपुर के 10,027 एवं मधुबनी के 11,682 कुल 29,778 युवाओं को 40,83,00,000 रुपए का भत्ता दरभंगा प्रमंडल में उपलब्ध कराया जा चुका है। कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत दरभंगा के 16,440, समस्तीपुर के 55,649 एवं मधुबनी के 38,164 कुल 110,253 युवाओं को दरभंगा प्रमंडल में प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा 134,470 प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। घर घर नल का जल योजना अंतर्गत PHED द्वारा दरभंगा के शहरी क्षेत्र के 14,987 एवं ग्रामीण क्षेत्र के 49,789 घरों में तथा समस्तीपुर के शहरी क्षेत्र के 15,203 एवं ग्रामीण क्षेत्र के 215,890 तथा मधुबनी जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 68,002 घरों में नल जल का कनेक्शन दिया गया है, जबकि पंचायती राज विभाग द्वारा दरभंगा के शहरी क्षेत्र में 11,295 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 7,44,398, समस्तीपुर के ग्रामीण क्षेत्र में 5,73,596 तथा मधुबनी के शहरी क्षेत्र में 16,878 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 1,98,115 घरों में कनेक्शन दिया जा चुका है। नाली गली योजना के अंतर्गत दरभंगा के 4,474, समस्तीपुर के 5,210 एवं मधुबनी के 5,299 वार्डों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है। बिहार में कोरोना के 287 नए मरीज, आंकड़ा 2,47,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 5,263। बिहार में कोरोना के 287 नए मरीज, आंकड़ा 2,47,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 5,263। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 287 नए मरीज मिले हैं और कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,46,943 पर पहुंच गई है। हालांकि इनमें टोटल एक्टिव केस 5,263 है। सबसे अधिक पटना में 113, अरवल में 10, औरंगाबाद में 2, बांका में 3, बेगूसराय में 7, भागलपुर में 7, भोजपुर में 6, बक्सर में 6, पूर्वी चंपारण में 5, गया में 5, गोपालगंज में 2, जमुई में 5, जहानाबाद में 18, कैमूर में 1, खगड़िया में 14, किशनगंज में 6, मधेपुरा में 3, मधुबनी में 1, मुंगेर में 1, मुजफ्फरपुर में 7, नालंदा में 10, नवादा में 8, पूर्णिया में 8, रोहतास में 4, समस्तीपुर में 9, सारण में 10, शेखपुरा में 2, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 6, सीवान में 3, वैशाली में 3, पश्चिम चंपारण में 1 नए मरीज मिलने की सूचना है। लंबे समय के बाद दरभंगा में आज नहीं मिला कोरोना का एक भी मरीज। लंबे समय के बाद दरभंगा में नहीं मिले एक भी कोरोना के नए मरीज, खाली रहा मरीजों के आंकड़े के लिहाज से सोमवार का दिन। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में सोमवार को दरभंगा में कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला है और यह एक अच्छी खबर है। दरभंगा कोरोना मरीजों के लिहाज से सोमवार को शून्य पर रहा। हर रोज आगे बढ़ रहे कदम, एक सूत्र में जुड़ रहे ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन के प्रत्येक जिले।
राष्ट्रीय सीनियर वाइस प्रेसिडेंट विभूति प्रसाद के आह्वान पर देश भर में चलाए जा रहे ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन के प्रत्येक जिले को एक सूत्र में जोड़ो अभियान के अंतर्गत बिहार राज्य इकाई द्वारा अंतिम रूप देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अरुण कुमार को ईस्ट चंपारण, प्रेम कुमार को मधेपुरा, विनीत केसन को बेतिया जिले के जिला अध्यक्ष के रूप में कमान सौंप दी गई। वर्चुअल मीट के द्वारा रिटेलर की भागीदारी के बीच इन्हें पद और कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। बिहार के प्रदेश महासचिव कमलेश कुमार सिंह द्वारा सभी मनोनीत सदस्यों को और जिला अध्यक्षों को एमरा के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी गई। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विद ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड, हेयर इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres एनवायरमेंट फ्रेंडली कैंपस, ऑल क्लासरूम्स आर एज पर CBSE नॉर्म्स, नो रीएडमिशन चार्जेस फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स। महासेठ टेक्सटाइल्स बाकरगंज लहेरिया सराय दरभंगा, शूटिंग शर्टिंग साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ, बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन जामा मस्जिद के सामने बाकरगंज लहेरिया सराय। साड़ी सलवार सूट लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स मेन रोड नियर भगत सिंह चौक देना बैंक बिल्डिंग दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1,500 square feet का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक ऑफिस शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9835687786 पर। ब्रेक के बाद एक बार पुनः का स्वागत, बढ़ेंगे आगे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। ठंड की सर्द रातों में तैनात है पुलिस, विभिन्न जगहों पर अचानक चलाया जा रहा चेकिंग अभियान, हो रही छापेमारी। जारी है सर्दी का सितम, चरम पर शीत लहर, सुबह से शाम तक कोहरे की चादर, कनकनी ने किया घरों में कैद। शीत लहर से बचाव के लिए सरकारी स्तर पर जगह जगह जलाए जा रहे अलाव। कोहरे की वजह से बदल गया दरभंगा एयरपोर्ट से विमानों के लैंडिंग और टेक ऑफ का समय। प्रमंडलीय समन्वय समिति की हुई बैठक, दाखिल खारिज में समस्तीपुर पूरे बिहार में अव्वल। विकास को लेकर प्रमंडल स्तर पर हुई मीटिंग। बिहार में कोरोना के 287 नए मरीज, आंकड़ा 2,47,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 5,263। लंबे समय के बाद दरभंगा में आज नहीं मिला कोरोना का एक भी मरीज। हर रोज आगे बढ़ रहे कदम, एक सूत्र में जुड़ रहे ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन के प्रत्येक जिले। ऑनलाइन होगी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षा, संस्कृत विश्वविद्यालय में लिए गए कई निर्णय। खरीफ हेतु कृषि इनपुट अनुदान को लेकर आयोजित हुई बैठक। खेलो इंडिया के अंतर्गत एक दिवसीय ई पाठशाला कार्यक्रम आयोजित। वार्ड 37 के पार्षद रियासत पहुंचे आंगनबाड़ी केंद्र, निरीक्षण में कई खामियां उजागर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं सीएम कॉलेज छात्र संघ ने प्रधानाचार्य को सौंपा आवेदन, कॉलेज के मुख्य द्वार पर मिथिलाक्षर का भी प्रयोग करने की मांग। और शोभन से दरभंगा के लिए चला 16 साल का विष्णु, 17 दिसंबर से ही है गायब, कहीं दिखे तो नजदीकी पुलिस स्टेशन को दीजिए सूचना। ऑनलाइन होगी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षा, संस्कृत विश्वविद्यालय में लिए गए कई निर्णय। ऑनलाइन होगी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षा, अब अगले सत्र में 25 जनवरी तक नामांकन की सुविधा। परीक्षा संचालन के लिए बनी समिति, परामर्श समिति की बैठक में लिए गए कई निर्णय। विश्वविद्यालय में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षा अब ऑनलाइन होगी और इसके सफल संचालन के लिए सूचना वैज्ञानिक नरोत्तम मिश्र के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई है, जिसमें सभी पाठ्यक्रमों के संयोजकों को सदस्य बनाया गया है। परीक्षा वेदन भी ऑनलाइन किया जाएगा। सोमवार को आयोजित परामर्श
विकासदात्री समिति की बैठक में लिए गए उक्त निर्णयों के साथ यह भी स्पष्ट किया गया कि पाठ्यक्रमों के विगत सत्रों की परीक्षा या तो परीक्षा विभाग द्वारा विलंब से ली गई और प्रमाण पत्र भी देर से दिया गया या फिर परीक्षा ली ही नहीं गई। इस कारण स्वाभाविक रूप से छात्रों की रुचि पाठ्यक्रमों में नामांकन के प्रति शिथिल होती गई। इस बार व्यावसायिक शिक्षा निदेशालय द्वारा ही 6 मासीय पाठ्यक्रमों की परीक्षा संचालित की जाएगी। परीक्षा 2 घंटे की होगी। दोनों पत्रों से 50-50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी प्रश्न 2-2 अंकों के होंगे। 50 अंकों की मौखिकी होगी और उत्तीर्णता के लिए सभी पत्रों में न्यूनतम 45% अंक लाना अनिवार्य होगा। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि परीक्षा संपन्न होने के बाद परीक्षाफल एवं प्रमाण पत्र के वितरण के पश्चात सभी विस्तृत विवरणी परीक्षा विभाग को सौंप दी जाएगी। चूंकि पूर्व की निर्धारित नियमावली में परिवर्तन की अनुशंसा की गई है, इसलिए सारे मामले को विद्वत परिषद के समक्ष रखने का भी निर्णय लिया गया। खरीफ हेतु कृषि इनपुट अनुदान को लेकर आयोजित हुई बैठक। खरीफ हेतु कृषि इनपुट अनुदान को लेकर हुई बैठक। वर्ष 2020 के खरीफ फसल की क्षति के लिए किसानों द्वारा बीज खरपतवार नाशी एवं ट्रैक्टर से जुताई में लगी लागत का अनुदान देने हेतु कृषि इनपुट अनुदान योजना अंतर्गत आवेदनों की स्थिति की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में अंबेडकर सभागार में आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि अभी तक 1,29,282 किसानों से प्राप्त आवेदन नाकाफी है। बैठक में उपस्थित कृषि समन्वयक ने बताया कि अभी तक 40% किसानों के आवेदन ही अपलोड हो सके हैं। सर्वर कमजोर रहने के कारण तथा 9 बजे पूर्वाहन से 6 बजे अपराहन तक ही आवेदन अपलोड करने का समय निर्धारित होने के कारण एक दिन में एक ऑपरेटर द्वारा 3 से 4 आवेदन ही अपलोड हो पा रहा है। जिलाधिकारी ने जिला कृषि पदाधिकारी राधा मोहन को इस आशय की चिट्ठी डीएम के स्तर से सचिव कृषि विभाग को प्रेषित करने तथा आवेदन अपलोड करने की समय सीमा एवं तिथि में विस्तार करने हेतु अनुरोध पत्र भेजने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी कृषि समन्वयकों को किसान सलाहकार के माध्यम से इस योजना की जानकारी सभी किसानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत एक किसान परिवार को अधिकतम 2 हेक्टेयर असिंचित जमीन के लिए 6,800 रुपये तथा सिंचित जमीन के लिए 13,500 रुपये उनके आधार संख्या से जुड़े बैंक खाते में दिया जाएगा। रैयतों के आवेदन की जाँच कृषि समन्वयक तथा आत्मा के ATM एवं BTM द्वारा किया जाएगा। गैर रैयतों के आवेदन की जाँच वार्ड सदस्य तथा कृषि समन्वयक या कृषि सलाहकार द्वारा किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसी शिकायत मिलती है कि गैर रैयत से आवेदन लेने में लापरवाही बरती जाती है, साथ ही वास्तविक किसानों से ही आवेदन करवाने होंगे या आपके संवेदनशील प्रयास से ही होगा। खेलो इंडिया के अंतर्गत एक दिवसीय ई पाठशाला कार्यक्रम आयोजित। खेलो इंडिया के अंतर्गत ई पाठशाला एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया +2 ML अकेडमी स्कूल लहरियासराय में। सैकड़ों की संख्या में लोग इस कार्यशाला में शामिल होने पहुंचे। जिला खेल कार्यालय दरभंगा की ओर से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। सर, ये खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यशाला के अंतर्गत संपूर्ण भारतवर्ष में खेल से जोड़ने के दृष्टि से स्कूलों के ऊपर एक महाअभियान का कार्यक्रम चल रहा है दरभंगा जिला प्रशासन की ओर से, और जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश और जिला खेल अधीक्षक दरभंगा श्री विजय कुमार पंडित के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि दरभंगा जिला के तीनों अनुमंडल के सभी विद्यालय के शारीरिक शिक्षकों और जहां शारीरिक शिक्षक नहीं हैं वहां नामित शारीरिक शिक्षकों को खेल से जोड़ने के दृष्टि से एक कार्यशाला का आयोजन किया जाए। आज यहां यह अंतिम दिन है और इस कार्यशाला के माध्यम से एक एक व्यक्ति का शरीर तन स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो, और वो कहते हैं ना कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। इस धारणा को बदल कर आज भारतवर्ष में खेलोगे कूदोगे तो देखोगे ख्वाब और कुछ नहीं बने तो सचिन सानिया या बनोगे शाहबाद। तो इस प्रकार एक प्रतिभा को निखारने का काम ग्रास रूट लेवल से ये करने का ये महाअभियान है। इसमें सभी विद्यालयों के मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, निजी विद्यालयों से शारीरिक शिक्षक, नामित शिक्षक और फिर खेल के कोच और क्रीड़ा के जो जानकार हैं वो सभी इसमें शामिल हो रहे हैं और उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
निबंधन के बाद खेलों की प्रक्रिया इससे सभी लोग जुड़ जाएंगे और फिर खेलों की गतिविधि स्कूल के ग्रासरूट लेवल से शुरू हो जाएगी। सर, खेलो इंडिया भारत सरकार का एक दीर्घकालीन योजना है। इस योजना का मेन उद्देश्य है कि भारत देश के जितने भी हमारे उदयमान प्रतिभान खिलाड़ी हैं उसको विशेष प्रशिक्षण देके ओलंपिक के लिए तैयार करना इसका मेन लक्ष्य रहा है। इसके तहत विद्यालय में जितने ऑल इंडिया में जितने भी विद्यालय हैं, चाहे प्राइवेट विद्यालय हो या हमारे सरकारी विद्यालय हो, चाहे प्राथमिक मध्य 10+2, सबको खेलो इंडिया के तहत निबंधन करा के उनको प्रशिक्षण दे के और स्वस्थ बनाना और ओलंपिक के लिए तैयार करना, सर इसका यही लक्ष्य है। और इसमें है कि हमने अनुमंडलवार, जिस अनुमंडल में जितने भी प्रखंड हैं प्रखंडवार हम लोग इसका बैठक कर रहे हैं। सबसे पहला मेरा बैठक था 17 तारीख को बेनीपुर में, उसके बाद में 18 को मेरा बैठक हुआ बिरौल में और मेरा 21 तारीख को दरभंगा सदर में मेरा बैठक चल रही है। और इसका वेबसाइट रहेगा खेलो इंडिया न्यू एसेसर रजिस्ट्रेशन, तो वेबसाइट खुलेगा उसी के तहत हम लोग जितने भी फिजिकल टीचर हैं हमारे स्पॉट पर इन लोग का रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है, हमारे एक्सपर्ट सब आए हैं रजिस्ट्रेशन से जुड़कर। और खेलो इंडिया का जो रूपरेखा है उसका क्या ट्रेनिंग का प्रावधान है, ये लोग डायरेक्ट खेलो इंडिया की वेबसाइट से जुड़ेगी और ये लोग ट्रेनिंग लेगी और जाके बाद बच्चों के ट्रेनिंग देगी और ओलंपिक के लिए लोग तैयार है। हाँ, 31 दिसंबर तक इसका निर्धारित समय, 31 दिसंबर तक सभी टीचर को निबंधन करा लेना है। वार्ड 37 के पार्षद रियासत पहुंचे आंगनबाड़ी केंद्र, निरीक्षण में कई खामियां उजागर। वार्ड संख्या 37 के आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे पार्षद मोहम्मद रियासत अली, किया निरीक्षण, लिया स्थिति का जायजा। सोमवार को वार्ड के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाकर पार्षदों द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र के संचालकों के बीच बैठक करनी थी, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यशैली और आगे के बेहतर कार्य के लिए बैठक में निर्णय लेना था। पार्षद श्री अली ने बताया कि आज सोमवार को कई केंद्रों का निरीक्षण किया, जिस क्रम में आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण करने पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचने पर आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताला लगा हुआ पाया गया। जब खुद अपने मोबाइल से रियासत अली ने केंद्र संचालिका ठाकुर आशा कुमारी से संपर्क किया तो फोन पर पार्षद को संतुष्ट जवाब नहीं मिला। वहीं बताया गया कि स्थानीय लोगों ने काफ़ी शिकायत की है कि अक्सर बंद ही रहता है, कभी कभार खुलता है, वह भी अच्छी तरह से कार्य नहीं करता। श्री अली ने बताया कि आज सामाजिक अंकेक्षण के कार्य को लेकर वार्ड के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का जायजा लिया, बच्चों की उपस्थिति संख्या, रजिस्टर और बच्चों के लिए खाने के मेनू सहित गुणवत्ता की जाँच की जाती है। यहाँ पे हम किराया पे रहते हैं और जो है सो आंगनबाड़ी में जो है तो कभी चावल मिला तो गेहूँ माने कि दाल नहीं, दाल मिला तो सोयाबीन नहीं, इस तरीके का, और कभी आए कभी नहीं आए, यानी कि तरह तरह का आदमी को परेशान करने वाला सिस्टम है। उनके साथ कोई टाइम टेबल नहीं है उनका। कोई भी चीज कहेंगे आप लोग बड़े, आप लोग बड़े होकर के आए हैं काम करवाने के लिए, काम हो रहा नहीं हो रहा है इस मोहल्ला, उसका कोई चीज बच्चा को जो कुछ मिला चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। चावल दल कर दाल सोयाबीन देवे निकल के कल के ले भाई तब हाँ ठीक से सामान नहीं दे चार दस का दाल ले लॉकडाउन लगले तो या से नहीं दे लॉकडाउन लगले तो 2 महीना का 1 महीना में दे हां कल ई महीना के बाद 1.5 किलो के 2 किलो चावल खाए से निकल के बस 1.5 किलो दाल कई ओके जा आज तो आबिन देबो कल दाल देबो देन ही नहीं रहले है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं सीएम कॉलेज छात्र संघ ने प्रधानाचार्य को सौंपा आवेदन, कॉलेज के मुख्य द्वार पर मिथिलाक्षर का भी प्रयोग करने की मांग। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं सीएम कॉलेज छात्र संघ के तत्वावधान में सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य विश्वनाथ झा को एक आवेदन सौंपा गया, जिनमें कॉलेज के मुख्य द्वार पर हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में नाम लिखने के साथ मिथिलाक्षर का भी हो प्रयोग। यह मांग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा एवं सीएम कॉलेज छात्र संघ के द्वारा किया गया, जबकि कॉलेज के मुख्य द्वार पर कॉलेज का नाम हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में लिखा जा सकता है तो संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल होने के बावजूद मैथिली भाषा का प्रयोग कॉलेज के गेट पर कॉलेज का नाम लिखने में क्यों नहीं, मैथिली भाषा का प्रयोग किया जाता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यह ज्ञापन सौंपा है। मिथिलाक्षर से संबंधित प्रस्ताव के समर्थन करै छी, स्वीकार करै छी। निश्चित रूप से चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय जे मिथिला के ऐतिहासिक शिक्षण संस्थान छै ताहि में मिथिलाक्षर से पवित्रता के रक्षा है
और अहाँ सबसे यह निवेदन जो जो मैथिली में आ मिथिलाक्षरक प्रचार प्रसार करो चाहे तो हृदय से करू आ जे कोनो इससे संबंधित आवेदन सब रहे से मिथिलाक्षर में। और शोभन से अपने घर दरभंगा के लिए चला 16 साल का विष्णु 17 दिसंबर से ही गायब, कहीं दिखे तो नजदीकी पुलिस स्टेशन को आप भी दीजिए सूचना। सुंदरपुर सोनार टोला दरभंगा के रहने वाले विष्णु कुमार चौधरी 2 दिनों से लापता हैं। उनके पिता दीपक चौधरी ने विश्वविद्यालय थाने की पुलिस को यह सूचना दी है कि उनका पुत्र गायब है और उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। जानकारी देते हुए उन्होंने पुलिस को बताया है कि उनका बेटा उम्र जिसकी करीब 16 वर्ष है, वह बंगलागढ़ पटेल चौक अपने नाना नानी के यहाँ रहता था, वहीं पढ़ाई करता था। 17 दिसंबर को फुफेरी नानी के घर शोभन दरभंगा में 4 बजे शाम में पहुँचा। वहाँ उसको रोकने पर भी वह नहीं रुका और सुबह से पढ़ाई होने की बात कहकर वहाँ से निकला अपने घर के लिए, लेकिन अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अगर आपको इस संबंध में कोई सूचना मिलती है तो आप विश्वविद्यालय थाने की पुलिस को खबर कर सकते हैं या फिर मोबाइल नंबर 8409130487 या 8252130452 पर कॉल करके जानकारी दे सकते हैं। यह था तक के समाचार, बिदालेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। ठंड की सर्द रातों में तैनात है पुलिस, विभिन्न जगहों पर अचानक चलाया जा रहा चेकिंग अभियान, हो रही छापेमारी। जारी है सर्दी का सितम, चरम पर शीत लहर, सुबह से शाम तक कोहरे की चादर, कनकनी ने किया घरों में कैद। शीत लहर से बचाव के लिए सरकारी स्तर पर जगह जगह जलाए जा रहे अलाव। कोहरे की वजह से बदल गया दरभंगा एयरपोर्ट से विमानों के लैंडिंग और टेक ऑफ का समय। प्रमंडलीय समन्वय समिति की हुई बैठक, दाखिल खारिज में समस्तीपुर पूरे बिहार में अव्वल। विकास को लेकर प्रमंडल स्तर पर हुई मीटिंग। बिहार में कोरोना के 287 नए मरीज, आंकड़ा 2,47,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 5,263। लंबे समय के बाद दरभंगा में आज नहीं मिला कोरोना का एक भी मरीज। हर रोज आगे बढ़ रहे कदम, एक सूत्र में जुड़ रहे ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन के प्रत्येक जिले। ऑनलाइन होगी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षा, संस्कृत विश्वविद्यालय में लिए गए कई निर्णय। खरीफ हेतु कृषि इनपुट अनुदान को लेकर आयोजित हुई बैठक। खेलो इंडिया के अंतर्गत एक दिवसीय ई पाठशाला कार्यक्रम आयोजित। वार्ड 37 के पार्षद रियासत पहुंचे आंगनबाड़ी केंद्र, निरीक्षण में कई खामियां उजागर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं सीएम कॉलेज छात्र संघ ने प्रधानाचार्य को सौंपा आवेदन, कॉलेज के मुख्य द्वार पर मिथिलाक्षर का भी प्रयोग करने की मांग। और शोभन से दरभंगा के लिए चला 16 साल का विष्णु 17 दिसंबर से ही है गायब, कहीं दिखे तो नजदीकी पुलिस स्टेशन को दीजिए सूचना। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।